हेलो फ्रेंड्स, आज कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड रिकमेंड किया है उसके अमाउंट और रिकॉर्ड रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹1.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 70 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 2% से ज्यादा का डिविडेंड रिकमेंड किया है और यह डिविडेंड इनके शेयर होल्डर को तभी मिलेगा यदि आने वाली AGM में यह डिक्लेयर किया गया। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने बुक क्लोजर डेट बताई है। देखिए 21 अगस्त 2021 से लेकर 27 अगस्त 2021 तक इनकी बुक क्लोज रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड डेट बनी वो बनी 20 अगस्त। तो यदि आपके डीमैट अकाउंट में 20 अगस्त को यह शेयर होगा तभी आपको ₹1.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग जो एक्स डिविडेंड डेट बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी 19 अगस्त, पर 19 को है छुट्टी, इस दिन मार्केट बंद रहेगी। तो जो एक्स डिविडेंड डेट बनी वो बनी 18 अगस्त और डिविडेंड के लिए जो लास्ट बाइंग डेट बनी वो बनी 17 अगस्त। तो यदि आपने जैसे 17 अगस्त जब उससे पहले खरीदा तभी जब 20 अगस्त तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। और यदि आपने जैसे पहले से खरीद रखा है या फिर 17 अगस्त को खरीदा है और आपको डिविडेंड चाहिए तो आपने जैसे एक्स डेट यानी 18 अगस्त जब उसके बाद बेचना है, ये 18 अगस्त को बेचोगे तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके थैंक्स।